अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड। ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड जो कि दिया हुआ है पेज नंबर 137 पर। सबसे पहले देख लेंगे ट्रांजैक्शन। पद्मा एंड कुमुद शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 इन पार्टनरशिप फर्म। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज 100। पद्मा और कुमुद जो ये पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशो में। नेक्स्ट टाइम में हमको बैलेंस शीट दे रहा है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। लायबिलिटीज और हमारी असेट्स मेंशन कर रहा है। नेक्स्ट लाइन में एडजस्टमेंट दे रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिटेड आशा ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1 फॉर 1/2 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। आशा शुड ब्रिंग ₹30,000 एज कैपिटल एंड ₹15,000 फॉर गुडविल इन कैश। मतलब फ्यूचर में आशा जो है वो शेयर करने वाली है 1/2 के बेस पर। मतलब बिजनेस के दो हिस्से जिसमें से एक हिस्सा रहेगा आशा का, और वो एक के लिए वो शेयर कर रही है 30,000 कैपिटल के लिए और 15,000 गुडविल के लिए। दोनों भी अमाउंट लेकर आ रही है वो कैश। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल भी विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स। और गुडविल का जो आधा अमाउंट है वो विड्रॉ कर ले रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं। तो 15,000 में से आधा मतलब 7,500 का गुडविल विड्रॉ करेगा पार्टनर उनके ओल्ड रेशो। द एसेट द स्टॉक इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10% एंड मशीनरी बाय 5%। स्टॉक पर 10% से डेप्रिसिएशन और मशीन पर 5% से डेप्रिसिएशन। स्टॉक और मशीनरी दोनों पर टिक आउट कर लेंगे, स्टॉक और मशीनरी। नेक्स्ट है आरडीडी टू बी मेंटेन एट ₹3,000। आरडीडी की वैल्यू हो गई हमारी 3,000। तो आरडीडी हमको ऑलरेडी दिया हुआ है ₹2,400। 2,400 का आरडीडी अब 3,000 मेंशन करना है, मतलब 3,000 हमको एक्चुअल बताना है। तो डेटर्स पर टिक आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है फर्नीचर शुड बी एप्रिसिएटेड टू ₹16,050 एंड बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। फर्नीचर की वैल्यू हमको एप्रिसिएट करना है 16,050 से। फर्नीचर हमारा 14,100 की वैल्यू अब 16,050 हो गई है। और बिल्डिंग जो है वो 20% से एप्रिसिएशन करना है, तो बिल्डिंग की वैल्यू 45,000 अब 20% से उसको भी करना है हमको एप्रिसिएशन। सबसे पहले हमने प्रिपेयर किए हैं अकाउंट्स। अकाउंट जिसमें प्रिपेयर है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, गुडविल अकाउंट और बैलेंस शीट। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे हमारी, देखेंगे हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज हम ट्रांसफर करते हैं। जिसके अकाउंट प्रिपेयर है अकाउंट पे ट्रांसफर करेंगे, जिसके अकाउंट प्रिपेयर नहीं है वो डायरेक्ट ट्रांसफर होगा हमारा बैलेंस शीट। फर्स्ट आइटम है लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स हम बताएंगे हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। लेकिन सबसे पहले मेंशन करेंगे हम कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल में सभी पार्टनर्स का नाम मेंशन होगा, पद्मा, कुमुद और न्यू पार्टनर है हमारी आशा। नेक्स्ट क्रेडिटर्स 37,500 कम बताएंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट आउटर में 37,500। नेक्स्ट है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हम डायरेक्ट बताएंगे बिल्स पेबल की भी अमाउंट आउटर में। बिल्स पेबल 30,000। बिल्स पेबल है हमारा 30,000। नेक्स्ट है जो बैंक लोन। बैंक लोन है तो बैंक लोन भी हम बताएंगे हमारी लायबिलिटी साइड पर। बैंक लोन 48,000। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। जनरल रिजर्व है हम बताएंगे पार्टनर्स के आपके लगाओ की क्रेडिट साइड। फर्स्ट मेंशन होगा हमारा बाय बैलेंस राइट डाउन, उसके बाद बताएंगे बाय जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व
सब हमारा मेंशन कर रहे हैं 7500 7500 जनरल रिजर्व है, लेकिन एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, तो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में हम कोई भी अमाउंट नए पार्टनर को शेयर नहीं करते। मतलब ये 7500 जो जनरल रिजर्व का अमाउंट है, ये जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारा सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में, पद्मा और कुमुद में। पद्मा और कुमुद का रेशियो दे रहा है 3:2 रेशियो है, मतलब 5 से डिवाइड कर दो, 3+2 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5 यानी कि 5 5 25, मतलब हमारा एक की भी अमाउंट आ रहा है 1500। अगर एक की भी अमाउंट हमारा 1500 है तो मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 की नहीं कितना 4500, और मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 की भी अमाउंट आएगा हमारा 3000। ऐसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किए 7500 4500 और 3000 से। नेक्स्ट है पार्टनर्स का कैपिटल। कैपिटल हमको मेंशन कर रहे हैं, बताएंगे बैलेंस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। बैलेंस है पद्मा का 45,000 और कुमुद का 36,000। आशा का कैपिटल नहीं, क्योंकि आशा का बैलेंस हमको मेंशन नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी बैलेंस शीट की असेट साइड। असेट साइड में फर्स्ट असेट है हमारी बैंक 22,500, 22,500 रुपये हमारा बैंक का बैलेंस है, तो हमने बैंक अकाउंट प्रिपेयर किए हैं। बैंक अकाउंट में हम बताएंगे डेबिट साइड में हमारा बैंक का बैलेंस, टू बैलेंस रटम बैलेंस है 22,500 22,500। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल मतलब ऐसा अमाउंट जो कि ऐसा भी है जो कि अब तक की हमको मिला नहीं, लेकिन मिलना बाकी है, तो रहती है हमारी असेट। हम भी बताएंगे असेट साइड बिल्स रिसीवेबल एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए डायरेक्ट आउटर में अमाउंट ले लेंगे हम बिल्स रिसीवेबल की 11,400। नेक्स्ट है डेटर्स है। डेटर्स मतलब हमारे कस्टमर जिससे हमको पैसा लेना बाकी, लेकिन डेटर्स पर हमको एडजस्टमेंट दे रहा है। अगर एडजस्टमेंट होता है तो हम बताते हैं डेटर्स की अमाउंट हमेशा इनर वैल्यू हमको दे रहा है 62,400। हम भी मेंशन करेंगे 62,400, उसके बाद एक लाइन का क्या छोड़ देना है। नेक्स्ट हमको दे रहा है आरडीडी। आरडीडी 2400 है, जब हम आरडीडी का एडजस्टमेंट करें तब ये एडजस्टमेंट का इफेक्ट हम पास करेंगे। नेक्स्ट है स्टॉक 36,000 स्टॉक है, स्टॉक की भी वैल्यू हम बताएंगे असेट साइड, लेकिन अमाउंट इनर में स्टॉक 36,000 इनर अमाउंट। नेक्स्ट है फर्नीचर हमारा 14,100, लेकिन फर्नीचर पर भी एडजस्टमेंट दे रहा है, अमाउंट इनर में लिखेंगे फर्नीचर। इनर अमाउंट हमारी 14,100 एडजस्टमेंट है, इसके लिए अमाउंट हम इनर में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है मशीनरी है, मतलब ये भी हमारी असेट एडजस्टमेंट है, अमाउंट इनर में लिखेंगे मशीनरी 15,000। और लास्ट है बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग पर भी हमारी एडजस्टमेंट है, हम बताएंगे बिल्डिंग की भी वैल्यू इनर वैल्यू 45,000। बिल्डिंग इनर अमाउंट 45,000, इसके बाद भी एक लाइन का गैप छोड़ देना है क्योंकि उस पर भी हमको एडजस्टमेंट दे रहा है। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे हमारी एडजस्टमेंट। ऑन 1st April 2019 दे एडमिटेड आशा ऑन द फॉलोइंग टॉप्स। 1 April 2019 को हमने बिजनेस में आशा को एडमिशन दी, मतलब नया पार्टनर है आशा, और आशा जो है वो बिजनेस में एडमिशन ले रही है, एंटर कर रही है। फर्स्ट एडजस्टमेंट मेंशन किया फॉर 1:1:2 शेयरिंग फ्यूचर प्रॉफिट इन फ्यूचर आशा शुड ब्रिंग ₹30,000 फॉर कैपिटल। आशा जो है वो बिजनेस में आ रही है, जो फ्यूचर में शेयर करने वाली है 1:2, मतलब बिजनेस के दो हिस्से जिसमें से एक हिस्सा रहेगा आशा का, और वो एक हिस्से के लिए वो कैपिटल लेकर आ रही है 30,000। 30,000 का बिजनेस में कैपिटल आ रहा है, मतलब बिजनेस में आ रहा है कैश आ रहा है। हम बताएंगे हमने बैंक का वॉलेट प्रिपेयर किए हैं, मतलब अमाउंट की रिसीवर रहेगी हमारी बैंक रिसीवर है तो हम बताएंगे डेबिट का रिसीवर। बैंक रिसीवर है तो हम बताएंगे डेबिट का रिसीवर, बैंक अकाउंट को डेबिट, और अमाउंट जो है वो अमाउंट की गिवर है आशा, इसके लिए नाम लिखे हमने आशा का। बैंक
corresponding credit होता है, bank account को debit किए ना आशा का लिखे, तो आशा के account को credit देंगे और वहाँ पर mention करेंगे by bank account और आशा के column में amount 30,000 उसी के साथ साथ हमको mention करना है and 15,000 for goodwill in cash और 15,000 का goodwill भी लेकर आ रही है, 15,000 का goodwill आ रहा है मतलब business में आ रही है cash, cash आ रही है, हम बताएंगे cash आ रही है cash को debit, cash account हमने prepare नहीं किए हैं, तो हम side में mention कर रख सकते हैं कि यहाँ पर bank का balance है, हम अगर cash account बना देते तो cash account में बता देते कि business में पैसा आ रहा है, cash आ रही है cash को debit ना goodwill का, तो goodwill के account को credit देंगे, नाम लिखेंगे वहां पर by cash account 15,000 और जितना भी कैश न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट जितना भी कैश में लेकर आता है वो गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो मतलब 15,000 रुपीस हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है पद्मा और कुमुद को, तो 15,000 रुपये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 15,000 डिवाइड बाय 5, 5 3 = 15 मतलब एक के लिए अमाउंट आता है हमारा 3,000, अगर एक के लिए अमाउंट 3,000 तो मल्टीप्लाई बाय 3 क्योंकि पद्मा का रेशो है 3, तो हम बताएंगे पद्मा को हमको देना है पद्मा जगह 3 3 = 9 पद्मा को देना हमको 9,000 और 2 कुमुद जगह 3,000 तो उसका कुमुद का रेशो है 2 के हिसाब से उसको पे करेंगे हम 3 2 = 6 गुडविल अकाउंट को हमने डेबिट किए ना पार्टनर्स का लिखे, गुडविल अकाउंट को डेबिट किए ना पार्टनर्स का लिखे, तो पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट देंगे और वहां पर बताएंगे बाय गुडविल 9,000 और 6,000 देखो हमारे पास कैश आई है, हमने कैश का अकाउंट प्रिपेयर नहीं की, कैश हम डायरेक्टली बता देंगे हमारी बैलेंस शीट में कि हमारे पास बिजनेस में कैश आ रही है 15,000 गुडविल आया मतलब बिजनेस में आई कैश, कैश है हमने कैश का अकाउंट प्रिपेयर नहीं की इसके लिए हमने डायरेक्ट मेंशन कर दिए बैलेंस शीट में कैश अकाउंट 15,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी सेकेंड, देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट में हमने 15,000 जो है वो गुडविल आने की एंट्री पास की है और जो भी पार्टनर नया गुडविल लेकर आता है नए पार्टनर का लाया हुआ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम ओल्ड पार्टनर्स में, हमने ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए पद्मा को 6,000 9,000 और कुमुद को 6,000। सेकेंड एडजस्टमेंट है हमारी हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल बी विथड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स, जो गुडविल पार्टनर्स ने लेकर आया था आशा ने लेकर आई थी 15,000 रुपया वही 15,000 में से हाफ गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर्स विथड्रॉ कर देते हैं, ओल्ड पार्टनर्स गुडविल विथड्रॉ कर रहे हैं मतलब बिजनेस से चला जा रहा है कैश, अमाउंट है हमारी तो अमाउंट का गिवन रहेगी हमारी बैंक, हम बताएंगे कि बैंक से हाफ गुडविल पार्टनर्स विथड्रॉ कर रहे हैं तो पार्टनर्स विथड्रॉ कर रहे हैं तो हम बताएंगे पार्टनर्स का नाम बाय पद्मा जकाम और बाय कुमुद जकाम, हाफ विड्रॉ कर रहे हैं मतलब 9,000 में से हाफ गुडविल विड्रॉ हो रहा है 4,500 और 6,000 में से हाफ गुडविल विड्रॉ हो रहा है 3,000, ये बताया हमने गुडविल विड्रॉ की एंट्री बैंक अकाउंट को क्रेडिट किए ना पार्टनर्स का लिखे तो पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट देंगे वहां पर बताएंगे टू बैंक अकाउंट, हाफ गुडविल विड्रॉ कर दी है पद्मा और हाफ गुडविल विड्रॉ कर दी है आशा को कॉलम नहीं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है नंबर थर्ड, द स्टॉक इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 10%, 10% से स्टॉक की वैल्यू हमको करना है डेप्रिसिएट करना है तो स्टॉक में हम बताएंगे लेस डेप्रिसिएशन 10% डेप्रिसिएशन हुआ हमारा 3600 हमारा डेप्रिसिएशन मतलब हमारा 36,000 का स्टॉक जिस पर 10% से डेप्रिसिएशन तो 10% से 0,0 कैंसिल, ये 0,0 कैंसिल मतलब बच जाता है 3,600, 3,600 रुपया माइनस कर अमाउंट आउटर में मेंशन कर देंगे हम
32,400. फर्स्ट इफेक्ट हमने बताया स्टॉक में सेल इज डेप्रिसिएशन, तो सेकंड इफेक्ट होगा हमारा एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, हमारा एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस हम बताते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड टू स्टॉक 3600. उसी के साथ साथ हमको डेप्रिसिएशन बता रहे हैं मशीनरी पर 5% से, मशीनरी की वैल्यू पर 5% डेप्रिसिएशन, मशीनरी हमारी 15000 पर 5% डेप्रिसिएशन, ये जीरो ये दो जीरो कैंसिल, 500 क्या जाता है हमारा 5525, यानी कि 5 + 5 + 2 = 7, मतलब 750 हमारा डेप्रिसिएशन होता है मशीनरी पर. हम बताएंगे मशीनरी पे लेस डेप्रिसिएशन 750, ऐसे आउटर अमाउंट 14250. नेक्स्ट इफेक्ट होगा हमारा मशीन पे सेल्स की डेप्रिसिएशन, सेकंड इफेक्ट होगा एसेट्स की वैल्यू 750 से कम हो रही है, मतलब हमारा एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस हम बताएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड टू मशीनरी 750. नेक्स्ट एडजस्टमेंट है नंबर 4, आरडीडी टू बी मेंटेन एट रुपीस 3000. आरडीडी की वैल्यू होगी हमारी 3000 रुपया, तो आरडीडी हमारा 3000 हो गया. डेटर्स में हमको बताना है 62,400, जिसमें से अब आरडीडी हो गया हमारा 3000 से आरडीडी माइनस करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा आउटर में 59,400. फर्स्ट इफेक्ट हमने बताया डेटर्स में से इसकी आरडीडी, सेकंड इफेक्ट के असेट की वैल्यू कम हो रही, मतलब हमारे एक्सपेंसेस, असेट की वैल्यू कम होना हमारा एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड. तो डेबिट साइड में बताएंगे टू आरडीडी, लेकिन अब यहाँ पर आरडीडी हमको बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिया हुआ था. बैलेंस शीट में आरडीडी जो है वो दिया हुआ है 2400 रुपया, लेकिन एडजस्टमेंट में मेंशन किया कि आरडीडी जो है वो आपको गया है 3000 रुपया, मतलब इंक्रीज हुआ 600 रुपये से, 600 रुपये से इंक्रीज हुआ. तो हमने यहाँ पर मेंशन किए थे लेटर्स की इनर वैल्यू, इनर वैल्यू थी 62,400, उसमें से लेस किया हमने आरडीडी 3000. अब ये 3000 में से ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया हुआ था 2400, मतलब अब इफेक्ट करने का बाकी रहा सिर्फ 600 का, मतलब हमारा और सिर्फ 600 से एक्सपेंसेस बढ़ा है. तो हम बताएंगे रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में टू आरडीडी 600. लास्ट एडजस्टमेंट है हमारी फर्नीचर शुड बी एप्रिसिएटेड रुपीज 16,050 रुपये से हमारे फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हुई है. तो फर्नीचर था हमारा 14,100 रुपया, 14,100 में एप्रिसिएशन हो रहा है, इसकी वैल्यू हमारी बता रहा है एप्रिसिएशन हो रहा है 16,050 से, मतलब एक्चुअल हमारी असेट्स की वैल्यू बढ़ी है 1,950 से. फर्स्ट इफेक्ट हमने बताया फर्नीचर में एड एप्रिसिएशन 1,950 से आउटर में 16,050, और सेकेंड इफेक्ट असेट की वैल्यू तुम्हारी 1,950 रुपये से इंक्रीज हो रही है, तो असेट की वैल्यू बढ़ना हमारी इनकम, और इनकम हम बताते हैं रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड बाय फर्नीचर 1,950. और लास्ट एडजस्टमेंट मेंशन कर रहा है एंड बिल्डिंग भी एप्रिसिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग की वैल्यू हमारी एप्रिसिएट हुई है 20% से, तो बिल्डिंग की वैल्यू है हमारी 45,000. 45,000 पर एप्रिसिएशन बताएंगे हम, एप्रिसिएशन 20% से, तो 10% हमारा होता है 45,000 पर 10% 4,500, 20% उसका डबल कर दो, उसका डबल मतलब हमारा अमाउंट आता है 9,000. 45,000 पर 20% 00 कैंसिल, ये 00 कैंसिल, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4500, तो अमाउंट आता है हमारा 9000. अब बताइए 9000 से हमारी एसेट की वैल्यू में ऐड एप्रिसिएशन से आउटर वैल्यू ले लेंगे 54,000, और सेकंड हम बिल्डिंग अकाउंट एप्रिसिएशन हुआ हमारा 9000 से, तो सेकंड इफेक्ट एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है हमारी इनकम, और इनकम हम बताएंगे रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग 9000. ऐसे हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है, तो अकाउंट का क्लोज करेंगे. अकाउंट क्लोज करने के लिए हम देखेंगे हमारी
evaluation account की debit side की total और credit side की total. Debit side की total हमारी आती है 9000 और ये 10950 और debit side का amount हमारी कम है. Debit side में total amount हमारा आता है 4950. यहाँ पर हम amount बताएंगे 10950. Total amount हमारी 3950. तो 10950 में से 4950 हम माइनस करेंगे तो अमाउंट का डिफरेंस हमारा 6000 और 6000 अमाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में पद्मास अकाउंट और टू मुद्स अकाउंट. 6000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम पार्टनर्स को उनके रेशो में. पार्टनर्स का रेशो है 3:2. रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 6000 डिवाइड बाय 5 1 क्या लिखिए 5 2 10 मतलब 1200 रुपया एक के लिए. 1200 रुपया एक के लिए तीन के लिए 3600 और दो के लिए 2400. फर्स्ट इफेक्ट हमने बताया रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में पार्टनर्स का नाम तो पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट देंगे वहां पर बताएंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 3600 और 2400. नेक्स्ट कॉलम नहीं. हमारा ज्यादा है तो हम देखेंगे कि क्रेडिट साइड की टोटल और डेबिट साइड की टोटल में कितना डिफरेंस 30000. पर हम देखेंगे बैलेंस 45000 का आता है हमारा बैलेंस. बाय बैलेंस कैरेट डाउन बैलेंस आता है हमारा 45000. कैरेट डाउन क्रेडिट का तो ब्रॉट डाउन होता है डेबिट साइड और डेबिट बैलेंस रहता है हमारा बैलेंस शीट का बैंक या कैश एट बैंक. कैश एट बैंक 45000. नेक्स्ट अकाउंट है हमारा गुडविल का. गुडविल अकाउंट हमने डायरेक्टली क्लोज कर देना है कि जितना गुडविल नए पार्टनर ने लेकर आया था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे ओल्ड पार्टनर्स को उनके रेशो में. और नेक्स्ट अकाउंट क्लोज करेंगे हमारी बैलेंस शीट की हमारी टोटल आनी चाहिए 2,47,500 दोनों साइड की टोटल 11,400 59,400 32,400 16,050 14,250 54,000 15,000 और 45,000 टोटल आनी चाहिए 2,47,500. तो सेम ऐसी टोटल हमारी यहाँ पर भी आएगी 2,47,500. हो गया हमारे ट्रांजेक्शन कम. आप लोग को जो भी क्वेरीज वगैरह रहेगी वो आप उसे पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं.